आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। राजधानी दून में लिटिल मास्टर क्रिकेट क्लब, ये वो क्लब है जहां से स्नेहा राणा ने ट्रेनिंग लेकर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज हमारे संवाददाता ने स्नेहा राणा के कोच से बातचीत की, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं हूं संदीप निजी और मेरे साथ देख रहे हैं आप उत्तराखंड खबर, और मैं इस वक्त उस मैदान में हूं जहां पर कि भारतीय क्रिकेट टीम की जो स्नेहा राणा है, जो कि यहां इसी ग्राउंड से उन्होंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा ली थी, क्रिकेट की शिक्षा ली थी, और यही वो ग्राउंड है जहां पर कि आप देख सकते हैं देहरादून स्थित रेसकोर्स में ये स्कूल का ये स्टेडियम है। यहीं पर जो स्नेहा राणा हैं, जो आज अपना इंग्लैंड दौरा बहुत ही अच्छी परिस्थिति में जीत कर आई हैं, और कहीं ना कहीं आज इसी तरह से उन्होंने यहां पर एक दिन काफ़ी समय पहले ट्रेनिंग ली थी। तकरीबन 9 सालों तक वो लगातार यहीं पर ट्रेनिंग लेती रही है, और यहीं पर से जाके अब उन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, और बल्कि आज देश के लिए वो क्रिकेट खेल रही हैं। मेरे साथ उनके कोच भी यहां पर मौजूद हैं, और कुछ ऐसे जो खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि आगे जाकर वही सपना देखते हैं कि मैं भी कहीं ना कहीं स्नेहा राणा जैसा क्रिकेटर बनूं, और कहीं ना कहीं अपने उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारत का नाम भी रोशन करूं। मेरे साथ उनके कोच हैं, साजी हैं, उनसे भी जानना चाहूंगा कि किस प्रकार उन्होंने यहां पर उन्होंने कोचिंग दी है, उसके साथ उन्होंने सीधा सीधा कैसे वो समय था जब वो उन्हें कोचिंग दे रहे थे, उसके बाद उन्होंने सोचा होगा कि आखिरकार इतने बड़े मुकाम पर वो जाएंगी। भाई साहब, आपने कहीं ना कहीं स्नेहा राणा आज इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही है, इंग्लैंड दौरा करके वो आ पाई नहीं, आप भी नहीं उन्हें कोचिंग करवाइए, कैसा आपको लगता है आज? बिल्कुल गदगद हूँ, और कुछ लफ्ज नहीं है कि इसी धरती से ये एचआरआर रेस कोर्स इंटर कॉलेज का एक ग्राउंड है जहाँ पर स्नेहा ने 9 साल की उम्र में क्रिकेट के गुर सीखे थे, और उस समय एक छोटी सी बच्ची आई थी हमारे पास, तो सपने तो ज़रूर थे लेकिन ये नहीं सोचा था कि भारत के लिए इतनी जल्दी खेलेगी। और जिस प्रकार से स्नेहा ने इंग्लैंड में अपने बल्ले और अपने गेंद से जौहर दिखाया है, और शायद मैं कहूँगा कि इंग्लैंड में शायद मैं 2-4 आदमी इसको जानते होंगे, इंग्लैंड की टीम के 2-4 खिलाड़ी उसे पहचानते होंगे, लेकिन आज सारा इंग्लैंड, सारा वर्ल्ड स्नेहा को जानता है। और स्नेहा ने जिस प्रकार से अपने इस क्लब का, अपने उत्तराखंड का मान बढ़ाया है, तो मैं कहता हूँ कि मैं बहुत गदगद हूँ। अच्छा, जैसा आपकी बता रहे थे कि शुरुआती 9 साल की उम्र में वो यहाँ पर आई थी, तो काफ़ी दिक्कतें भी स्नेहा को हुई होंगी और आपको भी हुई होंगी, चूँकि छोटा सी बच्ची आई थी, और लेकिन आप तब का और इस लंबे समय का अनुभव कैसे देखते हैं आप पूरा? हाँ, निश्चित रूप से एक कहता हूँ कि क्रिकेट में एक जुनून और डिसिप्लिन और खुद पर अपने विश्वास होना चाहिए। स्नेहा ने बहुत संघर्ष किया, और मैं कहता हूँ कि उसको अगर संघर्ष कराने वाला है तो वो किरण शाह हैं जिन्होंने उसको उसके गांव से खींच के यहाँ लाई थी, और एक नया प्लेटफॉर्म उस लड़की को दिया था। स्नेहा ने कम से कम 10-12 किलोमीटर स्कूल जाना, उसके बाद अपने घर जाना, और घर से देहरादून में आना, और मेरे ख्याल से 3-4 बजे एकदम बिना खाए उस दौड़ती थी। कभी कभी मैंने एक बार मैंने आपको बताया था कि एक बार उसके जेब से मैंने रोटी का टुकड़ा निकाला था कि सर खाने का टाइम नहीं मिला था। तो कुल मिलाकर के उस लड़की के अंदर, वो जो स्नेहा राणा के अंदर डिसिप्लिन बहुत कूट कूट के भरा था, और जिस प्रकार से उसने मेहनत की, 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर फिर स्कूल जाना, फिर देहरादून आना, और फिर ग्राउंड से अपने घर जाना, एक 12 साल की बच्ची, उसके लिए बहुत कुछ था। और वो आज कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, उसने बहुत मेहनत की और उस मेहनत का फल उसे आज मिला है। और शायद मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आज स्नेहा राणा ने इंग्लैंड में अपना जलवा दिखाया, ये देखने लायक था। और मैं तो हर बार कहूंगा कि स्नेहा अब जो आने वाले के बाद जब मैंने देखा कि एक स्पिनर बन सकती है, तो मैंने इसको अलग से, मैंने कहा बेटा आप स्पिन गेंदबाजी करो, स्पिन में आपका फायदा होगा। और 100% स्नेहा ने एक अच्छे ऑलराउंडर की प्रतिभा उसकी उजागर की, और उसने अच्छी बॉलिंग की, ऑफ स्पिन बॉलिंग, और बैटिंग तो शुरू से काफ़ी तेज गेंदबाजी में बैटिंग किया करती थी, तो आज वो दुनिया के सामने एक अच्छे ऑलराउंडर बन के आए। तो मुझे भी लगता है कि मेरा जो परिश्रम था और उसने उसको जो हमने मेहनत कराई, उसका फायदा हमें मिला। बिल्कुल, एक छोटी सी जगह से उठकर उभर कर स्नेहा राणा आज गई हैं और इंटरनेशनल लेवल पर वो खेली हैं, आप भी हैं मैम मेरे साथ, कहीं ना कहीं आपने महिला होने के नाते उनको देखा होगा, करीब से देखा होगा, तो क्या उनका, किस तरह से वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करती थी, आपने भी सहयोग किया है उन्हें? देखिए, मैं जैसे उसके साथ बचपन से रही हूँ, 9 साल की उम्र में मेरे पास वो आई थी,
तो अनुशासन सबसे पहले मैं उसके बारे में बोलूंगी कि वो बहुत अनुशासित एक बच्ची थी और शायद जिसका रिजल्ट आज उसको मिला है अनुशासन से ही वो यहाँ तक पहुँची है। खेल में आप शायद समझते होंगे, खेल के वैसे पूरी लाइफ में हर जगह पे अनुशासन बहुत काम आता है, पर खास करके खेल के लिए तो अनुशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिसका रिजल्ट मिला है। आज कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता होगा आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील करती हूँ। देखो कोच होने के नाते और महिला जितना हम लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड के बीच में, देखो ये सर्दी गर्मी धूप बरसात जो भी होता है सिर्फ इसलिए कि शायद कोई बच्चा किसी का भविष्य बनेगा। तो जो ये हमारा निकला है अभी डायमंड कहूँगी मैं तो उसको, अपना डायमंड कहूँगी, तो चमक रहा है पूरे देश पूरे विश्व में चमक रहा है। बहुत गर्व महसूस होता है कोच होने के नाते मुझे। कुछ इसी तरह से स्नेह राणा अभी यहाँ पर आई थी 9 साल की उम्र में, जैसे कि आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं आज लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी दिन आएगा जब आप इनको बहुत ही अच्छे मुकाम पर देखेंगे। और ये मेरे साथ एक छोटा सा बालक है जो अभी पूरे यहाँ पर ड्रेसअप होके आया है, क्या नाम है आपका? अश्विन। अश्विन, यहाँ पर आप आए हैं क्रिकेट के प्रति बहुत रुचि रखते हैं ऐसा लग रहा है आपको देख के। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके अभी मैम निकली हैं स्नेह मैम? तो मैं स्नेह दीदी जैसे ही बनना चाहता हूँ। मैं बचपन से ही क्रिकेट की वो थी कि मैं क्रिकेटर बनूंगा बड़ा होके, तो मैं भी स्नेह राणा दीदी जैसे ही बनूंगा। बिल्कुल, आप भी हैं एक, आप भी लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं, आपका क्या नाम है और लगातार कितनी मेहनत आप यहाँ पर कर रही हैं? सर मेरा नाम हरि है और मैं अब यहाँ पे मेरे को 4 साल हो चुके हैं और यही मेरा भी सपना है कि मैं एक दिन उस मुकाम पे पहुंचूं जहाँ पे आज स्नेहा दीदी है, और यही मेरा बचपन से सपना रहा है। जैसे कि मेरे पापा भी खेल रखे हैं वैसे ही मेरा भी यही सपना है कि मैं आज इंटरनेशनल क्रिकेटर बनूं। कितनी मेहनत आप यहाँ पर करते हैं, चूँकि जिस तरह से आपको देख के लग रहा है घंटों पसीना यहाँ पर आप बहा रहे हैं? हम जैसे 2:30 बजे से हमारे एकेडमी शुरू हो जाती तो आके सबसे पहले अपना फिजिकल पूरा करके उसके बाद हम अपनी तैयारी पर लग जाते। हमारा ये है कि जितनी ज़्यादा मेहनत हो सके उतने आगे हम बढ़ेंगे और हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं ग्राउंड में। अच्छा, इसने राणा जी को देख कर आपको क्या लगता है कि हम उन्हीं की तरह एक मतलब जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, काफ़ी कड़ी मेहनत की है और इसी वजह से आप एक नेशनल लेवल पर उनका नाम है, तो क्या ऐसा सपना आपने भी समझोया जरूर होगा? मतलब वो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। अब तो पहले उन्हें नहीं जानते थे सब, मतलब काफ़ी लोग जानते थे बट ऐसे मेजॉरिटी में नहीं, बट अब उन्होंने इतना अच्छा अपना प्रदर्शन करा है खेल का तो काफ़ी इंस्पिरेशन है वो हम सब की, और सब उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं हम लोग। काफ़ी हार्ड वर्किंग भी और डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा, अभी हम इनसे मिले थे तो बहुत सही है जी। तो इसी तौर पर कह सकते हैं कि इसी जो हार्ड वर्किंग उन्होंने करी है उसी की बदौलत आज उन्होंने इतना बड़ा मुकाम पाया है, तो उसी की बदौलत आज साहजी की अगुवाई में लगातार ये बच्चे भी हैं जो कि अपना यहाँ पर आगे का बेहतरीन क्रिकेट का भविष्य अपना बनाने के लिए लगातार जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो स्नेह राणा उनसे जरूर इंस्पायर भी हुए हैं। कैमरामैन किशोर राव के साथ मैं संदीप नेगी, उत्तराखंड खबर, देहरादून।